आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ब्रेड आ गया है, अब ब्रेड से क्या बन सकता है, ब्रेड पकौड़ा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आलू जो है वो बॉईल कर लिए हैं, उनका छिलका उतार लिया है और उनको प्लेट में रख लिया है। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू का ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है और थोड़ा सा ही तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, नहीं तो ऑयली ऑयली लगता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, ठीक है, और अब इसमें थोड़ी सी डाल देंगे हींग। हींग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा वरना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और अब इसमें हमने डाल दिया है हरी मिर्च, तो आप देख सकते हैं हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, हमारे यहाँ सब कुछ तीखा अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग के यहाँ अगर नहीं अच्छा लगता हो तो कम मिर्च डालिएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया था, सिर्फ लहसुन का है पेस्ट, उसको पूरा एकदम अच्छे से पीस लिया है। तो लहसुन भी स्किप मत करिएगा। अब लहसुन हम लोग खाने लगे हैं क्योंकि सावन बीत चुका है, सावन भी हम लोग नहीं खाते हैं और नवरात्रि भी नहीं खाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, फिर गोल्डन ब्राउन होने तक तब तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सौंफ, सौंफ बाद में इसलिए क्योंकि इसे ज़्यादा पकाते नहीं हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे धनिया, खड़ी धनिया डालेंगे इसे। तो इन दोनों चीज़ को बाद में डालिएगा, पहले मत डालिएगा नहीं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो फिर उसके बाद अब इसे अब लास्ट में डाले हैं, तो इसे भी अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा आप लोग। और हम थोड़ी सी ले ली है लाल मिर्च पाउडर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ले ली है। और अब इसमें लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, तब इसमें जितने हमने आलू लिए थे उनको थोड़ा सा मैश करके थोड़ा सा ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं करना है और मैश कढ़ाई में अच्छे से करना है, जैसे कि यहाँ पे भी कर रही हैं देख सकते हैं। यहाँ पे जितने ऐसे फोड़ ले रही हैं कढ़ाई में ही, अगर आपका मन है तो आप पहले से एकदम चटनी बना कर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम अगर आप थोड़ा सा फ्राई फोड़ के डालेंगे तो मसाला अच्छे से मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे चलाते रहेंगे और फिर ऐसे ही मिलता जाएगा मसाला पूरे आलू में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा। और हम लोग जो है ना हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है सेंधा नमक हेल्थ के लिए, तो आप लोग भी वही यूज़ करिएगा। सो ये है मैजिक मसाला हम लोग का बनाया हुआ। तो इसमें जो है हम लोगों ने लाल मिर्च पीस के रखी है और काली मिर्च भी है ना, जीरा भी है और धनिया भी है, सौंफ भी है, मतलब जितने मसाले हैं वो सारे पीस के इसमें हैं। और इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, एक बार ट्राई करके ज़रूर अपनी सब्ज़ी में डालिएगा, बहुत टेस्टी लगती है, सूखी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब ये ब्रेड पकौड़े का जब आलू बन रहा है तो उसमें तो डलेगा ही डलेगा, चलिए इसे डाल देते हैं। और हाँ ये तीखा ज़रूर होता है क्योंकि ज़्यादा लाल मिर्च है इसमें, तो इसे थोड़ा कम ही डालेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा, कम खाते हैं तो कम डालिएगा। तब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक और बात आप लोग से कहनी है, हम लोगों ने हल्दी नहीं डाला है और ऐसा कोई मसाला भी नहीं डाला है जिसमें हल्दी होती है, क्योंकि सब्ज़ी मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि ऐसे ही ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं तो कहूँगी आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन अगर आपको हल्दी वगैरह सब्ज़ी मसाला वगैरह डाल के अच्छा लगता है तो प्लीज़ डालिएगा, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो ये मेरी रेसिपी है तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। सो यहाँ पे हमने ले ली है धनिया पत्ती को हमने काट लिया है थोड़ा थोड़ा, और अब इसमें हम डाल देंगे, तो ये चीज़ ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है धनिया से। तो अब चलिए डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धनिया डाली जा रही है,
और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आलू जो हम ब्रेड पकौड़े के लिए जो बना रहे थे वो अच्छे तरीके से बन गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम गरम गरम उतारा गया है, जिसमें से भाप निकल रही है इतनी गरम गरम वाली, आप देख सकते हैं। अब हम आगे की तैयारी आप लोग को दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है थोड़ी सी अजवाइन जो हम बेसन में डालें। हमने यहाँ पे ले लिया है बेसन, कितना बेसन लिया है, इसमें से थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है और बेसन लिया होगा हमने कम से कम 250 ग्राम तो लिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे नमक और अब इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा, कम खाते हैं थोड़ा सा डालिएगा, बस थोड़ा सा स्पाइसी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा। तो अब इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे जो हमारा बैटर बना है, थोड़ा थोड़ा एक खट्टे मत डालिएगा, पानी धीरे धीरे करके डालिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिक्स कर रही हैं। तो इसको जो है इतनी देर तक फेंटना है कि मतलब थोड़ा सा वाइट इसका कलर हो जाए, बेसन का लाइट वाइट कलर, मतलब लाइट येलो लाइट वाइट ऐसा हो जाए। तो देख सकते हैं आप लोग इसमें डार्क येलो दिख रहा है लेकिन इतना येलो है नहीं। तो इसको एकदम अच्छे से फेंटना है, अच्छे से फेंटेंगे तभी जो पकौड़ा है वो फूलेगा। तो अब थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे लाइट वाइट दिख गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ही ना ज़्यादा पतला ही, तो ऐसे ही आप लोग को इसका कर लेना है, ऐसे फेंटना है आपको, तो ऐसे ही बना दीजिए। तो इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती काट के डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट करके डाला जा रहा है धनिया को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा जो बैटर है वो पकौड़े के एकदम तैयार हो चुका है। आप लोग को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, तो पकौड़ा काफ़ी अच्छा बनता है इससे। तो फिर चलिए बनाते हैं पकौड़े। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई में ब्रेड पकौड़े डल चुके हैं और अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और आ गया है। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं हमारे पकौड़े जो हैं वो गोल्डन ब्राउन उनका कलर आ चुका है, तो कितने अच्छे अच्छे। और फाइनली जो ब्रेड पकौड़े हैं वो प्लेट में आ चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बाय बाय।